और जब आंधी तूफान चलता ही रहा। अब होता तो क्या है कुछ नहीं, लेकिन तेल वगैरह और हल्पा समोसे का वो चलता है। ओके, यहाँ आ जाता है? यहाँ तो नहीं आता, यहाँ जब सलामी आए थे ना जी, तब आए थे, ऊपर तक पानी गया था। पहले तो सुनामी आने के पहले तो बहुत बड़ा भूकंप हुआ था। हाँ, तो भूकंप से हम लोग जमीन हिला करके हम लोग उठ के बाहर आया, बाहर आया तो फिर थोड़ी देर के बाद पानी मार के बहुत बहुत बड़ा बड़ा अल्पा आया, तो पूरा पानी मार के यहाँ तक आई। हम लोग तो चढ़ के पहाड़ में छुपे, पहाड़ के ऊपर चढ़ गए थे। तो ये कितना देर, कितना बार अल्पा आया? अल्पा तो 3 बार आया, बहुत बड़ा बड़ा अल्पा आया था। ओके, हाँ, फिर आके फिर थोड़ी देर में फिर रुक गया, रुक के फिर ठंडा हुआ, फिर ऐसे ऐसे फिर शाम तक पानी उतरने में शाम तक लग गया। बाद में आपने क्या देखा यहाँ पे? हाँ, तो पूरा तो सफाई पे हो गया सब, पूरा घर और सब तो बर्बाद हो गया, कितना जानवर लोग सब तो मर गया। जो डुंगी में फिसर में लोग गया था, उन लोग भी तो 4-5 लोग मर गया करके सुना भाई क्या। हम लोग तो चढ़ के ऊपर में था बीकर में, उधर कैंप बना के और कोस्टगार्ड का उधर जो लाल टिकरी है वही कैंप में बैठ के रात भर उधर ही बिताया। खाना होना सब वही कोस्टगार्ड वाला जो है उन लोगों को खिचड़ी विचड़ी बना के लग के देते थे। चावल वोल सब तो बिंग गया था, खारा पानी लग के सब पूरा नाश हो गया था। दाल वोल चावल वोल सप्लाई से गुडाउन से लेके फिर कोई कोई खिचड़ी की तरह दाल वोल सब पूरा मिला के एक ही तरह खिचड़ी। कितना देर ऐसे ऊपर में बैठा था? ऐसे 1 हफ्ता था ऊपर। 1 हफ्ता? 1 हफ्ता था। फिर आस्ते आस्ते फिर थोड़ा थोड़ा कोई कोई जिसका घर है उन लोग आया था, हम लोग तो घर वर नहीं था, ऊपर ही था, ऊपर ही टेंट आउट बना के कैंप बना के दिया, सरकार बना के दिया, बस उधर ही था ऊपर में। हम लोग तो शिव मंदिर के उधर में था। अभी तो ठीक है, नॉर्मल है, अभी तो ठीक है, आप उतना डर नहीं है। ओके, आप कुछ बोल रहे थे ना यहाँ पे कुछ सायरन फिट किया है? हाँ, क्या है बताइए। वही जब सुनामी का सायरन जो फिट किया बोलता समझ में, अभी आवाज तो दे देता, हम लोग जाके देखा तो नहीं जगह तो। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा देर पहले तो 1 घंटा पहले तो सुनामी सायरन दिया था। महीना में दो बार सायरन बजेगा, एक 3 तारीख और 18 तारीख को, हर महीना सायरन आवाज टेस्टिंग है। हाँ, टेस्ट चल रहा है। तो यहाँ पे एक सायरन फिट किया है, काफी जगह फिट किया सायरन आइलैंड में, यहाँ भी एक बजाय, बाकी आइलैंड्स में भी होगा ना? नहीं मतलब लंकोरी और कच्चा हो सकता होगा, तो हम लोग आईडिया नहीं। होना चाहिए, यहाँ फिट किया तो बाकी आइलैंड्स में भी एक सायरन फिट किया होगा। तो 3 तारीख और 18 तारीख हर एक मंथ वो टेस्टिंग होता है कि कैसा सायरन चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या भी है, सुनामी अलर्ट के लिए। तो एक अच्छा साइन है। तो ये है इनका स्टोरी, मतलब बहुत काफी लोगों की डेथ भी हुई है, आपकी फ्रेंड्स उनकी, आपके फ्रेंड्स, हम लोग जान पहचान वाले लोग भी कहाँ उधर तीस तरफ जब मंदिर तो पूजा वजा में गया था वो टाइम में। हाँ, तो त्योहार में गया वाला लोगों बहुत जन मर गया था उधर सब। और बाकी बहुत जन सब मेनलैंड वापस चले गए या पोर्टलर चले गए? कोई कोई, हाँ, यहाँ से सब शिफ्ट हो गया, कोई कोई बड़ा बड़ा दुकानदार लो सेठ लो सब तो चले गए, कोई कोई मेलन में चेन्नई में कहाँ वापस चले गए। ओके, यहाँ से खाली करके जाता है या अभी भी कोई कोई जा रहा है? आपको क्या लगता है अभी लाइक सुनामी आने का पीछे यहाँ का थोड़ा पीछा हो गया है जगह? बहुत बहुत पीछा हो गया था। ओके, अभी एरिया सब तो खाली हो गया है एरिया में तो। अब एक बात बताइए, जब भी भूकंप आता है तो आप लोगों को डर लगता है कि फिर सुनामी आ जाएगा? अभी तो उतना तो डर नहीं लग रहा है, हम लोग तो रह रहे की आदत हो गई है, हमेशा तो भूकंप होते रहते हैं यहाँ में, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं होना, सुनामी नहीं आना, बस हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग तो यहीं का रहने वाला, इधर ही रहे की आदत हो गई है। सुना आपने, मतलब बोलो ना बोलो अंदर एक डर जैसा डर बैठ गया। और मैंने देखा है कि लोग स्विमिंग या समुद्र के पास जाके तैरते नहीं, स्विम नहीं करते, क्यों? इसीलिए? हाँ, इसलिए। और बीच बीच में मगर वगैरह का भी डर है। ओके, और यहाँ पे और एक डर है, मगर बीच में भी मगर आता है? हाँ, आता है। मतलब बिकोरी बीच, बिकोरी में एक बार आया था, तो इसलिए यहाँ भी वो बोर्ड लगाया है स्विमिंग तैरना मना, उससे पहले तैरता था यहाँ में। ओके, बीच में एक बार मगर आ गया था, सॉल्ट वाटर में आ गया।
तो इसलिए क्या वहाँ भी बोर्ड लेके डाल के मना कर दिया कि कोई तैरना नहीं करेगा। ओके okay, मतलब यहाँ पे सॉल्ट अंडमान निकोबार में सॉल्ट वाटर मगर होता है और बहुत बड़ा होता है, नॉर्मल से भी बड़ा होता है राइट। और हर नाली में मगर रहता है वहाँ में, हर एक नाली मतलब हर एक छोटा से पानी जो आता है ना, नाला छोटा सा रिवर जो भी है उसमें मगर होता है, मतलब उसमें पानी में गया। आप तो कैसे हो? मीट अमित से मीट करिए, राहुल से मीट करिए। गलत हो गया? आपका नाम राहुल, मेरा नाम अमित। ओके गलत हो गया। तो ये है, मैं जा रहा हूँ इंडिया का सदर्न टिप ऑफ इंडिया का आखिरी विलेज, जा भी देखते हैं वहाँ पे कैसा होता है, कैसा रहते हैं, क्या करते हैं। तो ये अंडमान स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बस है, आप देख सकते हैं काफी अच्छा बस है। और मैं यहाँ बैठा हूँ, नहीं मैं खड़ा हूँ, वही बैठने वाला हूँ। तो बताओ क्या करते हो? स्कूल पढ़ते हो। तो अमित राइट? कौन अमित? तुम अमित? अरे यार मेरे से नामों में क्यों गड़बड़ हो रहा है मुझे। तो जैसे हम आगे जाएंगे मैं आपको अपडेट करूंगा और देखते हैं कि इंडिया का सदर्न टिप ऑफ इंडिया में लास्ट विलेज में लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। हेलो अंकल। अच्छा आप कैसे हैं? ठीक है? हाँ ठीक तो है। ठीक है, हंसो ना। हंसता हूँ। आप क्या है? ऐसे ही चल रहा है। सब मुझे पूछते हैं कौन से डिपार्टमेंट का। मैं बताता हूँ कौन से डिपार्टमेंट का। ठीक है, मैं कोई डिपार्टमेंट का नहीं हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा बस जा रहा है बिना रुके। बस में एक्चुअली सब खाली हो चुके हैं, बस में सब बैठे हैं आराम से और हम ऊपर जा रहे हैं। देखिए बस चढ़ाए, एक्चुअली घुमाई है सर, घूम घूम के ऊपर चढ़ेंगे। तो अभी तक कितना किलोमीटर हो चुका है? 20 हो गया। मतलब अभी कितना बचा है? 35 में 20 गया तो कितना किलोमीटर बचा है? 15। अभी क्या बोल रहे थे? 10। मैथमेटिक्स एक कंपार्टमेंट है कि सत्या क्यों है? कोई बात नहीं, मैं मेरा विश देता हूँ तू पास हो जाएगा। तू भी है? तू पास है? नहीं मैं भी। हिम्मत बढ़ाओ, एग्जामिनेशन पास करो। ठीक है, थैंक यू। ओके तो ये देखिए हमारा जंगल, कुछ बोलना है तुमको? क्या जंगल? जंगल। तुझे गाना पता है जंगल जंगल बात चली है? नहीं पता। सुनाऊं क्या? सुना। okay. चलो सब गाते हैं सर। ठीक है ओके चलो 1 2 3 4 जंगल जंगल बात चली है पता चला है। कौन बना गिट्टी? गाना गाएगा? गाना गाऊंगा। खाने का, पीने का, ऐश करने का। और हम जा रहे हैं इंडिया का सदर्न टिप, मतलब साउथ के टर्न हो रहा है का विलेज। वहाँ कैसे लोग रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं जो 35 है ना, तो वो भी हमारे जैसे ही दिखते हैं। चलो शास्त्री नगर, ये सदर्न टिप ऑफ इंडिया का लास्ट विलेज है श्रीनगर।
तो अभी हम ढूंढेंगे कोई घर। अंकल आप कहाँ जा रहे हैं? घर? आपका घर मैं आ सकता हूँ क्या? ओके हेलो हाउ आर यू, आई एम कमिंग। ऐसा अंकल का घर हम जा रहे हैं अंदर। हेलो हेलो हाउ आर यू, कैसे आप? अच्छा ऐसी मेहमान, बिन बुलाए मेहमान। मैं अभी मैं एक्चुअली पोडलर वाला हूँ, मतलब पोडलर में जन्म हुआ सब कुछ, लेकिन मैं काफ़ी सालों के बाद 15 साल के बाद आ रहा हूँ। 15 साल के बाद अंडमान घूमने आया। आपका नाम बताइए। सिंह रूप सिंह। अब कितने साल से यहाँ पे हो कैंबल बे में? हमको तो बहुत साल हो गया यहाँ पर। कितने साल हो गया मैं भूल गया। आप पहले किस यहाँ? जब वो सेटलमेंट हुआ ना जी, तब से यहाँ। वो कोई गवर्नमेंट ने जब सेटल किया ना जी, तब से यहाँ बैठा। कब कब था वो, आपको कुछ याद है? कितना साल? नहीं याद नहीं, वो नहीं। आपको याद? बहुत सारे साल में आए यहाँ। कौन से साल में यहाँ लाए आपको? बहुत साल में को याद नहीं। याद नहीं आपको? याद है इनको कब लाए हमको? नहीं सेटलमेंट कब हुआ था आपको, वो याद है? इधर तो बहुत बाद में आया। आई थिंक 1926 ऐसा कुछ था सर। हाँ ऐसा ही था कुछ। ठीक है, आपका डेट, आपने आपका पैदा कब हुआ था, कहाँ पे पैदा हुआ था आप? मैं पैदा तो मैनलैंड में हुआ ना। किधर? तेजगढ़ देहरादून है ना। हाँ हाँ देहरादून का आगे। हाँ ओके पहाड़ है। हाँ हाँ पहाड़ में है हमारा घर। हाँ हाँ उधर और आगे और लोगों का घर है आगे। तो यहाँ पे आप आर्मी में काम कर रहे थे कैसा? नहीं नहीं आर्मी में पेंशन निकल गया था ना जी, तब यहाँ पेंशन जो आर्मी से रिटायर हो गया जी, उसको यहाँ से डोनेट किया। ओके पहले आप आर्मी में काम करते थे? ओके फिर एक आप मतलब एक सर्विस मैन है? एक सर्विस मैन। ओके और मतलब यहाँ पे इतना पीस है, मैं बताऊँ अगर आप 2 मिनट साइलेंट हो जाए ना आपको कुछ नहीं सुनाई देता है, सिर्फ बर्ड्स, समुंदर, बस इतना साइलेंट है, मतलब बिल्कुल साइलेंट है। और जब आंधी तूफान चलता ही रहता, अब होता तो क्या है कुछ नहीं, लेकिन पेड़ वगैरह और हल्का समुद्र का हाँ वो चलता है। ओके यहाँ आ जाता है? यहाँ तो नहीं आता, यहाँ जब सलामी आए थे ना जी, तब आए थे ऊपर तक पानी गया था, तो सुनामी जब आया था तो ये पूरा घर में भी पानी था। घर तबाह हो गया बिल्कुल खत्म हो गया पूरा, यहाँ पीछे घर था पूरा ओके खत्म हो गया सब। ओके सब घर खत्म हो गया था। इस बार ये घर हमने सलामी से पहले बनाया था जी, लेकिन यहाँ पानी आए इसको थोड़ा मोड़ा टूटा है बाहर। हाँ अच्छा था। जिस दिन सुनामी आया था 2004 में, राइट 26 दिसंबर में, दिसंबर में हाँ। सुबह 6 बजे लगभग। हाँ हाँ 6 बजे पहले चढ़ा था, लेकिन लोगों को पता नहीं चला भूकंप हो गया था। हाँ तो लोगों को पता नहीं चला, सुबह सुबह उठे कोई बाथरूम जा रहा कोई कहीं जा रहा ऐसा तो कुछ मार, तब वहाँ से पानी ऊपर को मारा, तब उधर से लोग चला पानी आ गया पानी आ गया पानी आ गया, तब भगदौड़ मचा, कोई बाथरूम था वहाँ से वैसे भाग गया, कोई नंगा भाग गया, कोई कैसा पानी आ गया, हम तेरे था तो हमने देखा और फिर हम भी भाग पड़ा, छोड़ छाड़ के सभी भाग गया, अपना घर छोड़ के उसे भाग गया सब। ओके आप कितना दूर तक गए आप? आगे गए जहाँ वो मोर सिंह का घर ना, आगे घर था जहाँ आगे वो वहाँ वहाँ रहे हम, वहाँ हमारा खाना बना उधर रहा हम, तो वहाँ तक पानी नहीं आया था? नहीं उधर नहीं आया पानी, उधर नहीं आया पानी, तब उधर रहा तो उधर से हम लोग आए इधर को, हमने कहा जब बंद हो गया पानी ऊपर चढ़ गया तो ऊपर चढ़ गया, हम आए रोड रोड सभी
गांव वाले सब लोग आए तो पानी उधर से नीचे को जा रहा, बस हमारे इधर अपना घर देखा कि इधर पानी अंदर भरा और बालू भरा पूरा अंदर। ओके तो हम लड़कों को डाल, लड़का लोग था इधर, हमने कहा इधर आओ यार तुमको मैं दारू की बोतल पिलाऊंगा, उनको पिलाया मैं इसको भा डालो ये बालू। तब बालू भा डाला सब सफाई किया उधर सामान जो सब भा चल गया था। आपका कितना जाल में मतलब कितना का नुकसान मोस्टली हो गया था? नुकसान ऐसा नुकसान बहुत हुआ था, हमारी टीवी सीरीज छोटा बर्तन कागज पत्र सब कुछ पता नहीं चला कहाँ गया। और आपका फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव का ऐसा कोई डेथ हुआ, कोई पानी में चले गए? हमारे में गए लेकिन और गया इधर ये देवर थे उधर उनकी झोपड़ी थे उधर जहाँ समुद्र है ना, समुद्र आप वहाँ चढ़ चढ़ के ऊपर उधर झोपड़ी थे तो भागे सभी लोग, तो कोई नहीं भाग सका, पानी मार दिया तो यहाँ चार पाँच छः आदमी मर गया था हमारा, पाँच आदमी मर गए था। ओके तो आप उनको सब जानते थे कौन थे वो? हाँ जानते थे उनको। ओके लेकिन मर गए थे तब। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली समुंदर कितना दूर है, समुंदर बस इधर ही है राइट? हाँ हाँ इधर ही है समुंदर। समुद्र हाँ समुद्र है। ओके ओके तो हम थोड़ी देर के बाद समुंदर जाएंगे, अभी आओगे? मैं क्या कर रहा हूँ अभी। कभी आपको डर लगता है कि आप समुंदर के पास इतने? डर सबको लगता है। ओके क्योंकि हलचल चलता है ना जी, कहीं कहीं ऐसा उधर है कि करंट है। हाँ जैसे ये करंट है ना, हाँ हाँ पावर, हाँ ऐसा करंट है। हाँ तो करंट खींच देता है अंदर खींच देता है। ओके और मैं सुना कि यहाँ पे काफी मगर होता है, यहाँ पे मगर है क्या? मगर रहते, मगर आगे रहते ज्यादा, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर है लेकिन वो तो नहीं आता। ओके मालूम नहीं होता। ओके पता नहीं होता है कब आता कब जाता है। हाँ ये बात है लेकिन आगे मगर और उधर मगर। ओके उधर मगर मगर नाला बोलते हैं उधर को, मगर नाला। जब भी भूकंप होने से ही सुनामी आती है बहुत ज्यादा, मतलब हिलता था बहुत ज्यादा जमीन, तो हम लोग सोचते थे पानी आ जाएगा पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक ही था। ओके तो मेन चीज ये है कि मतलब समुद्र के पास इतने पास रह रहे हैं लेकिन स्पिरिट है यू नो, तो वो लाइक आप जब यहाँ आओगे इनसे मिलोगे तभी आपको समझ आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा है कि नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनकी स्टोरी, इनकी जो भी फीलिंग है, जो स्पिरिट है, जो स्पिरिट जो यहाँ रहने का इतने पास, मैं आपको दिखाऊंगा कितना पास है, क्यों मुझे आवाज आ रहा है समुंदर का बुला रहा है। रात को इतना ज्यादा आता है आप, मतलब हम लोगों ना सुन सुन के आदत हो गया जैसे ना, तो और कोई आते है इतना ज्यादा होता है, आप लोगों को कैसे नींद आती? हम बोलती नहीं आने से नींद नहीं आता है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब अभी समुद्र में आवाज नहीं आएगी तो नींद नहीं आएगी, है कि नहीं? लेकिन हम लोग आदत हो गया ना, हम लोग ज्यादा चुपचाप रहते हैं, सोए जाते हैं, खराटा देते हैं, खर 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 खर, वो समुंदर भी खराटा लेता है, समुंदर भी खराटा लेता है, आप भी लेते खराटा। आपका उम्र कितना है बता सकते हैं? मेरा उम्र 80 चल रहा। 80 ओके 80 चल रहा, मतलब 80 एक 84 क्या है? 80 खत्म थोड़े। ओके ओके इनका उम्र 85 तक है। तो अब जो कोई बाहर का टूरिस्ट वगैरह और सर्वे आते है ना जी, तो वो भी थोड़ा घबरा जाता है, समुद्र माता है ना तो थोड़ा घबरा जाता है। और हम नहीं, अब हमको आदत पड़ गया क्योंकि रात दिन ऐसे ही करते रहता रात दिन समुद्र ऐसे ही करते रहता वो अच्छी बात है इनका हंसी देखिए नहीं ये है ये स्पिरिट तो अभी मैं आपको समुद्र पर तरफ लेके जाता हूँ, तब तक ये देखिए ये है सुपारी जो बीटल नट बोलते हैं, जो पान के साथ, जो कागज पान के साथ खाते हैं, यही है
राइट हम तो नहीं नहीं मैं खास पाल नहीं खाता नहीं मैं कुछ नहीं करता। दो नारियल पेड़ है यहाँ पे, ब्यूटीफुल छोटा सा एकदम वर्जिन बीच। आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया और थैंक्स फॉर शेयरिंग ऑल दिस थिंग। ओके, ये आप इसको ले जाएंगे तो मतलब फिर पिक्चर बनाएंगे? जी मैं पिक्चर बनाऊंगा और बाकी लोग देखेंगे तो देखेंगे, अच्छा है ना, तो मतलब दो लोगों तक पहुंचेगा कि क्या हो रहा है। लोगों को कुछ बोलना चाहते तो आप बोल सकते हैं। अभी बोलना क्या है कि अब क्या बोल रहे हैं आपके, अब तो शांति है ना, कुछ पहले की जैसे होता कोई तो हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं उनको कि हमको ये तकलीफ है वो तकलीफ, अब क्या वैसा है ना, शांति है तो अब नहीं बोलते, हमको बोलेंगे चारों से वो देखेंगे, सभी देखेंगे पिक्चर वगैरह, बोलेंगे सारे कैसे बेमान लोग हैं, सारे क्या बोलते हैं, क्या ऐसे नहीं झूठ नहीं बोलते हैं। इनका भी टाइम के लिए और सब लोग जो मुझे जगा दिए आने के लिए इनका घर, थैंक्स अ लॉट। और अपना हस्बैंड वाइफ को भी बता दें, सॉरी हस्बैंड और बच्चों को भी बता, वाइफ तो यहाँ खड़ी है। ओके तो अंकल से हम हाथ मिलाते हैं, थैंक यू। ओके थैंक्स अ लॉट। आप यहाँ के वेव्स देख सकते हैं, कितना हैवी वेव्स अभी भी आ रहा है, ये देखो। तो अभी मैं कुछ स्लो मोशन लेता हूँ, बहुत वो तो करंट जैसे बहुत फास्ट करंट है यहाँ पे, ये मैं लेता हूँ शॉट, आपको दिखाता हूँ इसका इम्पैक्ट क्या है, कितना एक्चुअली ये ओपन सी है तो इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे वेव्स। सोचो सुनामी का वेव कितना था होगा, ओ हम समझ भी नहीं पाएंगे कभी। तो आप ये देख सकते हैं जो ये काला, ये जो सीमेंट का है, ये बैरियर शायद बनाया है इन्होंने, वहाँ पे भी बैरियर है। ओके तो ताकि ये वेव्स का जो इम्पैक्ट जमीन पे कम हो, नहीं तो क्या होगा, जमीन पे इम्पैक्ट होते तो जमीन कम हो जाएगा, जमीन को सोख लेगा, समुंदर और अंदर चला जाएगा, तो ये इम्पैक्ट वहीं पे उसका ख़त्म करने के लिए इन्होंने बैरियर जैसा बनाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बैरियर, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी बैरियर से, क्योंकि ये एकदम ओपन सी है, तो आप वहाँ जाओगे तो वो तरफ आगे बहुत आगे जाना है आपको, जो आपको याद है कि मैं गया था तो वहाँ पे इंदिरा पॉइंट है एकदम आगे, और मुझे डर लग रही है एक्चुअली, मैं सही बात बताऊँ एकदम डर लग रही कि ये वेव देख के, देखे एक आने वाला ये आने वाला बड़ा वाला, ये बड़ा है, बहुत बड़ा है। ओ मुझे ये वेव देख के इतनी डर लग रही है, सुनामी में क्या हुआ होगा, लग दिल एकदम वो हो रहा मेरा, एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा दिल एकदम, आप सीधे जाओगे तो इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया सब यहीं पे है, इंडोनेशिया बहुत ही पास है एक्चुअली, ज़्यादा दूर नहीं है, 120 किलोमीटर समथिंग। तो ये है, मैं क्या बताऊँ, आप ही देखिए इनका इम्पैक्ट क्या होता है। तो ये है लिटरली इंडिया का सदर्न टिप ऑफ इंडिया का लास्ट विलेज जो मैंने हमको बुलाया था, तो वो इतने रिस्क में रहते हैं यहाँ पे, मतलब यू नो, और जो स्पिरिट है उनका ये वेव से भी स्ट्रांग है। तो फिर मिलेंगे और कभी।
अच्छा लगा यहाँ पे आने से, और मैंने डाब भी पिया और बहुत मज़ा आया मुझे तो, मतलब आखिरी गांव आके और इतना प्यार, यू नो लाइक लोग हमेशा बहुत ही स्वीट रहते हैं, हमेशा स्वीट रहते हैं। तो देखते रहिए मेरा वीडियो, ये एपिसोड, ये सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करिए। आपको मिलाता हूँ सरवनन, जो शिप में मिला था मेरे साथ सफर करा था, दो सफर राइट। इधर आ तुम, इसको तो याद होगा आपको, चलो अभी दोबारा बोलो कैपिटल। बोल गया, बैठिए।